धन्यवाद सभापति जी। राज्य में पेयजल की स्थिति पर चर्चा के लिए मेरे को आपने समय दिया। वैसे तो दो दिन से काफ़ी गंभीर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, अच्छे सजेशंस दिए हैं। अगर उन पर कार्रवाई होती है तो मेरे ख्याल से पानी की जो समस्या प्रदेश में, उसका निराकरण होने में मदद मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो चार छोटे छोटे सजेशंस है इसके बारे में देना चाहूँगा। 2019 में जो JJM चालू किया गया अगस्त में, उसके बाद में 4 साल में आप जैसा आप खुद ही बता रहे थे, या 93 लाख जो कनेक्शंस के आदेश दिए, कार्य आदेश दिए गए थे, उनमें 53 लाख कनेक्शंस हो पाए। और वो 53 लाख कनेक्शंस में भी कितों में पानी आ रहा है, कितने में 55 LPCD पानी आ रहा है, इसके कोई मेरे ख्याल से वो नहीं किया गया, इसका आकलन नहीं इसके बारे में कोई की गई है। मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि इसमें जो पानी के लिए जो इन्होंने किया है, जो कनेक्शन दिए हैं, वो टारगेट ओरिएंटेड थे। बहुत जल्दबाजी में कनेक्शंस दिए हैं क्योंकि पैसे लेने के लिए दिल्ली की सरकार को रिपोर्ट करना था, और वहाँ कनेक्शन बता दिया गया कि भाई 5 दिन पानी आया और उसको हमेशा हमेशा के लिए पानी आना बताया गया है। इसकी वजह से वो जहाँ भी JJM के कनेक्शन हुए, वहाँ समस्या वैसी की वैसी ही है। कई कई जगह तो 15-15 दिन तक JJM के कनेक्शंस में पानी नहीं आ रहा है और समस्या वहाँ विकट बनी हुई है। 55 LPCD की बात छोड़िए, आपको 20-25 लीटर पानी भी ना प्रतिदिन किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध में मेरा निवेदन ये है, मेरा सुझाव है कि जो अभी आपने बता रहे हैं कि साहब अभी बजट में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके और 25 लाख कनेक्शन दे दिए जाएंगे जो भी 8 महीने के अंदर, ये कतई संभव नहीं है माननीय सभापति महोदय। क्योंकि आप जब 4 साल के अंदर 53 लाख कनेक्शन दे पाते हैं, तो ऐसी कौन सी मशीनरी, ऐसी कौन से इनके पास में चमत्कारी संस्थाएं हैं जो 8 महीने के अंदर 25 लाख कनेक्शन देंगे। अगर कनेक्शन देंगे तो कनेक्शन देंगे, उनके अंदर पानी नहीं आ पाएगा। आप कर रहे हैं कनेक्शन देने के लिए, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है अलग अलग तरीके की है, कई जगह 1000 फीट तक भी पानी नहीं है, कई जगह बिल्कुल ही पानी नहीं है, और कई जगह पहाड़ी इलाका है, और सब में एक सा नॉर्म तय कर दिया है इन्होंने कि साहब सब की जगह है ना, कुएं खोद दिए जाएंगे, कुओं को रिचार्ज कर दिया जाएगा, ट्यूबवेल खोद दिए जाएंगे। सभापति महोदय, मैं बताऊं जितने भी ट्यूबवेल खोदे गए हैं वो सारे के सारे फेल हो गए, वो 5-6 महीने तक चलते हैं, उसके बाद में वो ड्राई हो जाते हैं। कुओं की बात तो कर ही नहीं सकते राजस्थान में, कुएं पूरे सूख गए, कितने भी गहरे खोद लो आपको पानी नहीं मिलेगा, और उनसे आप JJM से कनेक्शन कर रहे हैं तो किस तरीके से पानी आएगा। अभी दूसरी जो स्थिति यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गहरा खोद रहे हैं तो पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब है, पानी पोर्टेबल नहीं है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नाइट्रेट है, आर्सेनिक है, लवणीय पानी है, इससे लोगों का स्वास्थ्य और ख़राब हो रहा है। तो एक तरफ तो आप पानी देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का स्वास्थ्य खराब करने की स्थिति पैदा कर रहे हो। तो मैं दूसरा सुझाव दूंगा कि हमारे जो परंपरागत स्रोत है, जैसे आपके कुएं हैं, नाड़ियां हैं, खडीन हैं, आपके टांके हैं, उनको, उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, उन पर ज़्यादा पैसे खर्च करिए, वो विश्वसनीय स्रोत है पानी पीने के, उससे पानी का पुनर्भरण भी होगा और उसके अलावा लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, वो दूषित पानी नहीं मिलेगा, बरसात का पानी मिलेगा। तीसरे, जितने भी ये प्रोजेक्ट से चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से, उनमें तेज़ी लाई जानी चाहिए और तेज़ी लाकर उनको पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें ERCP है और आपके जो नर्मदा का जो समझौता किया उनको धरातल पर लाया जाए। एक मेरा और है माननीय सभापति महोदय, ये टारगेट ओरिएंटेड ये चीज़ें हैं, जैसे ईसरदा का है, ईसरदा में 2 साल में पानी नहीं आने वाला है और वहाँ 700 गाँव के अंदर है लाइनें डाल दी गई है, लाइनें डाल दी गई, कहीं पंप हाउस कहाँ बनेगा, फिल्टर हाउस बनेगा, जमीन चिन्हित नहीं है, तब तक फिर भी आप ये ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो
पानी के नाम से जनता के पैसों का बर्बादी हो रही है। परसों तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।